चांदा पुलिस टीम ने और स्वाट टीम ने अपने हमारे सीओ लंगवा के बहुत कुशल निर्देशन में ये एक एक्सट्रीमली गुड वर्क इन्होंने किया है, जिसमें कि हमने 6 ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है, जो कि एक डकैती की योजना बना रहे थे, जिनका पूर्व में भी लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। ये पूरा गैंग प्रतापगढ़ का गैंग है, जो कि जनपद प्रतापगढ़ और जनपद सुल्तानपुर में भी कई लूट की घटनाएं कर चुका है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि प्रिवेंटिव पुलिस करते हुए हमारी पूरी टीम ने इनको उस समय पकड़ा कि जब ये एक दूसरी बड़ी घटना जनपद में एक ज्वेलर को लूटने वाले थे, तो उसको बड़ा मेहनत से प्रिवेंट की गई ये घटना। इन सभी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद अरेस्ट किया है। पुलिस ने इनके पास से 4 तमंचा बरामद किए हैं, मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। हाल ही में जो एक मोटरसाइकिल लूटी गई थी, उस मोटरसाइकिल को इस्तेमाल करके इनका बड़ी लूट को अंजाम देने का पूरा प्लान था, जिसको टाइमली इंटरसेप्ट किया गया और घटना को प्रिवेंट किया गया। ये बहुत ही अच्छी सफलता पूरे हमारी स्वाट टीम और थाना चांदा की टीम की है। इस अच्छे गुडवर्क के लिए मैं सीओ लंबवा को प्रशस्ति पत्र हम देंगे, और इसके अलावा जो पूरी टीम जिसने इसमें अरेस्टिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उनको पूरी टीम को 25,000 का इनाम दिया जाएगा। क्या इनका कोई आपराधिक इतिहास भी है? जी हाँ, जैसे मैंने बताया, इनका लंबा आपराधिक इतिहास है, और इनकी जो लूट की घटना इन्होंने की है, वो थाना जनपद प्रतापगढ़ को भी उसकी जानकारी दे दी गई है। वो लोग भी आके जेल में बयान लेके इन लोगों से अपनी घटनाओं के बारे में पूछताछ करेंगे। पिछली बार जो घटनाएं, अभी फिलहाल 6 मुकदमे इन पे लिखे गए हैं। इसके अलावा जो हमें लम्हा में जो एक मोटरसाइकिल की लूट हुई थी, वो इन्होंने की थी इस बड़ी घटना को करने के लिए। इसके अलावा जैसे सूरज का, नरसिंह का, इनका आपराधिक इतिहास अभी हमें संकलित हो पाया है। बाकी डिटेल्स प्रतापगढ़ से मिलेगी, तो उनका पूरा लंबा आपराधिक इतिहास डिटेल में आपको जारी किया जाएगा। बट ये क्रिमिनल बड़े नोटोरियस रहे। नरसिंह यादव बहुत शातिर अपराधी था, उसके बारे में किस तरह का अपराधी था वो, क्या क्या जी, ये जो नरसिंह यादव नाम का अपराधी है, इसका नेटवर्क काफ़ी वाइड रहा है। ये व्यक्ति, एक बार इसके खिलाफ 2002 में मुकदमा लिखा गया, और फिर 12 साल बाद 2014 में मुकदमा लिखा गया। इसकी मोटस ऑपरेंडी कुछ इस तरह की है कि ये व्यक्ति कभी सामने ना आके, और बड़ी रेयरली ही कभी घटनाओं में जाता है, और हमेशा अपराधियों को शेल्टर देना, उनसे नेटवर्क रखना और सबकी जानकारी रखना और सबको एड प्रोवाइड करना, वेपन सप्लाई हो चाहे व्हीकल सप्लाई हो। जैसे कि इस घटना में भी मोटरसाइकिल लूटी जानी थी, मोटरसाइकिल लूटी गई, तो उस मोटरसाइकिल को लूट के उन व्यक्तियों को देना और उनके साथ में घटना करना, ये पूरा नेटवर्क इस नरसिंह यादव का था। ये इस पूरे बेल्ट के अपराधियों के लिए एक बड़ा नेटवर्क का ये गिरोह रखता है। इसके पास पूरी बड़ी जानकारी है, पुलिस से पूछताछ में अहम जानकारियाँ इसने दी हैं, जिनके आने वाले समय में हम इसमें और खुलासे करेंगे और अपराधों को प्रिवेंट करने में मदद मिलेगी। न्यूज़ विजन में आपका स्वागत है। न्यूज़ विजन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।